प्रियजनों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं मार्गशीर्ष मार्ग के बारे में। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मार्गों में अर्थात मास में मार्गशीर्ष मार्ग में हूं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में ऐसा क्या करें, क्या ना करें, कैसे भगवान की पूजन करें, क्या विधान से हम भगवान की पूजन करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी से निवेदन है, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास में हम भगवान किस देवता की पूजन करें, किस विधान से पूजन करें, जिससे कि हमें अच्छा फल प्राप्त हो या पुण्य प्राप्त हो। तो मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजन का विधान है। आप सभी भक्तजन जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, उन सभी के लिए यह मार्गशीर्ष जो है अमृत तुल्य है। जैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजन किया जाता है, ऐसे ही यह मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजन का बड़ा ही विधान है। तो वैष्णवजन जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, वह इस व्रत को, मार्गशीर्ष मास के व्रत को प्रारंभ करें और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हों और भगवान सूर्य देवता को कुमकुम डाल करके अर्घ देना है भगवान सूर्य देवता को। तत्पश्चात भगवान कृष्ण का पूजन करें। कृष्ण भगवान की पूजन का विधान, भगवान को बिठा लें, आपके घर में लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा हो तो उन्हें बिठा लें और उनका दूध दही घी शक्कर सहस स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाएं, कुमकुम चंदन, और भगवान को पारिजात के पुष्प प्रातःकाल मिलते हैं वह, क्योंकि रात में ही चढ़ते हैं, तो पारिजात के पुष्प भी चढ़ाना आवश्यक है। भगवान को पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य में भगवान को मिश्री और तुलसी दल अर्थात तुलसी पत्ती भोग में अवश्य लगाएं। मिश्री माखन का भोग लगाएं, यदि माखन ना मिल पाए तो मिश्री उसमें तुलसी पत्र रख करके अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल हमेशा चढ़ाना है। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण को एक दिन भी ऐसा ना रहे कि आप बगैर तुलसी की पूजन करें। जैसे एकादशी, बुधवार, रविवार, पूर्णिमा, इन दिनों में तुलसी दल नहीं तोड़ते, तो एक दिन पहले आप लोग तोड़ लिया करें, भगवान का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, हम सभी सुख समृद्धि से आपकी पूजन करते रहें और सुख समृद्धि से रहें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए व्रत की मंगल कामना करते हुए कि व्रत हमारा अच्छे से हो। और मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन गीता पाठ अवश्य करना है। एक अध्याय गीता पाठ अवश्य करना है आपको। इसमें बताया गया है कि जिन परिवार में संतान नहीं है, जिनको संतान नहीं हो रही है, वह भी जो है मार्गशीर्ष मास में यदि कृष्ण भगवान की सच्चे हृदय से शुद्ध भावना से यदि प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनको अवश्य संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हम डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख देंगे तो आप लोग वहां से प्राप्त कर लेंगे। और जो विवाह, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वह भी यदि मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो उनका विवाह भी अवश्य हो जाता है। तो आपको भगवान कृष्ण की पूजन करना है। शाम के समय अपने द्वार पर एक तुलसी में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान के यहाँ प्रज्वलित करें, जहाँ जल भंडारा हो वहां जल में के पास रखें। दीपदान का भी बड़ा महत्व है। दीपदान आप आपके घरों में जो वृक्ष हों बड़े, जैसे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो और तुलसी का वृक्ष हो, इन वृक्षों के पास दीपदान अवश्य करें। जलते
हुए दीपदान जब आप देते हैं तो आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से आप सभी भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप व्रत को प्रारंभ करें, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और प्रतिदिन न्यू वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आप सभी हमारी YouTube चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। सभी को प्यार भरा राधे राधे।